नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है जो लोग 2023 में जो है बीएड की जो एग्जाम है 15 को दिया था, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। काफी लोग बार बार कह रहे हैं सर काउंसलिंग कब से होगा, तो मैंने आपको एक अपडेट दिया था भैया 10 जुलाई, जो कि आपका पेपर ऊपर में जो है निकल करके आया था 10 जुलाई, और यही अभी तक लग रहा था। बट अभी मैंने आपको क्या बताया था कि बीएड में क्या होता है कि अगर आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हो, यूपी में हो, तो आपका जो काउंसलिंग होता है वो तभी पॉसिबल होता है जब आपका ग्रेजुएशन जो आप लोग लास्ट ईयर में हो उनका फाइनल रिजल्ट आ गया हो, इंटरनेट पे आ गया हो। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी बीए का लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा, इसके अलावा बीएससी का दिया होगा, शायद रिजल्ट कुछ लोग का आ गया, कुछ लोग का नहीं आया। काफी लोग का तो वैसे आ गया है बट काफी लोग का नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए एक अपडेट यहाँ पर निकल के आई है भैया, टल सकती है बीएड काउंसलिंग। अब ये टल सकती है इसका मतलब कि बीएड काउंसलिंग टल ही जाएगी, मतलब टलने का लगता है ये थोड़ा सा गलत छापा है, पता नहीं कौन क्या सोच के जो है ये चीज छापा है। बट यहाँ पर होना चाहिए था भैया कि बढ़ सकती है बीएड काउंसलिंग, तो डेट जो है बेसिकली बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है आगरा, अयोध्या और लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं कराई गई परीक्षाएं, और बीयू ने सभी विश्वविद्यालयों से मांगी है परीक्षा संबंधी रिपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिणाम आपका 23 जून को आया था, लगभग 4,22,000 विद्यार्थी जो है सम्मिलित हुए थे, लेकिन अब तक काउंसलिंग की तैयारी पूरी नहीं हो पाई है और अब तक आगरा, अयोध्या और लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं प्रारंभ ही नहीं हुई है। यानी कि ये इतने विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, अयोध्या जो हमारा राम मनोहर यूनिवर्सिटी है और लखनऊ, यहां पर अभी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फाइनल ईयर का पेपर ही नहीं दिया है। तो ये एक रीजन है काउंसलिंग का डेट आगे बढ़ने का, ठीक है? तो इसको एक कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी समझो, जिसके अभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है कंप्लीट करवा लो। आज शाम को एक वीडियो आएगा, बार बार काफी लोग कहे सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे वीडियो बना दो, तो एक पूरा डिटेल वीडियो जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर इस चैनल पे मिलेगा। तो सब्सक्राइब किए रहोगे, टेलीग्राम पे जुड़े रहोगे तो ही वो वीडियो आपको मिल पाएगा। तो अभी इसका जो ईमान के चलो भैया, अभी जब एग्जाम हुई ही नहीं हुआ है तो तिथि आपकी यहाँ पर साफ साफ लिखा है बढ़ाई जा सकती है। और कब तक, ये आपका 15 जुलाई हो सकता है, 20 जुलाई हो सकता है, 25 जुलाई हो सकता है, क्योंकि वैसे राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं जहां से मैं हूँ वहां का जो एग्जाम डेट तो आ चुका है, तो पेपर सबके स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि पेपर स्टार्ट होगा तो अब ये मान चलो पेपर होने के 1-2 हफ्ता लग जाता है रिजल्ट आने में, तो 20-25 जुलाई के आसपास जो है जहां तक उम्मीद है जाएगा। अब यहाँ तक जाने की उम्मीद भी है और बीयू का वो भरोसा भी नहीं है, क्या पता वो कुछ और जुगाड़ उगाड़ लगा के पहले स्टार्ट कर दे, लेकिन उसके बारे में परेशान मत हो, अपडेट जो भी होगा मैं आपको ला करके दूंगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स उतने बनवा लीजिए, बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है। हाई स्कूल इंटर मार्कशीट आपके पास होगा, ग्रेजुएशन तक का मार्कशीट होगा आपका, एक बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, प्लस आपका जो है आय जाति निवास जो भी आपके लगाए थे काउंसलिंग के टाइम, सॉरी एडमिशन के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो आपके लगेंगे और कुछ खास आपके यहाँ पर लगने वाले हैं नहीं। तो आप लोग इतना जो है काम करवा लो और पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर देता रहूंगा, कोई नहीं कि डेली आपको परेशान करता रहूं। आज मैंने 1 हफ्ते बाद लगभग ये वीडियो बनाया है इस अपडेट को लेकर के, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वीडियो बनाऊंगा, यानी कि भैया कुछ चैनल वाले हैं हर 2 घंटे पे उनका एक अपडेट आता है, वो नहीं करना है, ठीक है? तो पल पल के अपडेट के लिए बस यहाँ पे जुड़े रहो, आपको अपडेट्स जो रियल ऑथेंटिक होंगे आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, और जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ो, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।